नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलस्तान न्यूज और मैं हूं विकास मनहास। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है डोडा से सामने आ रही है और दो जो है फूड सप्लाई में काम करने वाले लोग, यानी जिनकी जो है फेयर फ्राइज शॉप थी, यानी डीलर थे, जो लोगों को जो है राशन वगैरह देते थे, उन दोनों को जो है सस्पेंड किया गया है। यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन के चलते किसी भी सरकारी मुलाजिम को जो है किसी भी पार्टी या किसी भी जलसे में नहीं जाना है। इसकी कोई भी वायलेशन करता है तो उसके ऊपर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले से ही हदायत दे के रखी थी। लेकिन इसमें से मैं आपको बता दूं, दो फूड डीलर जो है, राशन डीलर जो है, उन दोनों को जो है सस्पेंड किया गया है। और ये जो है डीसी डोडा हरविंदर सिंह ने किया है, यानी इलेक्शन अफसर है अभी डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह डिस्ट्रिक्ट डोडा के, उन्होंने जो है इन दोनों को जो है सस्पेंड किया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो फूड डीलर है यानी मुंधार कास्तीगढ़ का नियाज अहमद जरगर, इनको भी सस्पेंड किया गया है। और इसके साथ परवेज अहमद सनब अब्दुल सुभान, और ये जो है भटियास के रहने वाले हैं, यानी भटियास गंदो के रहने वाले हैं, इनको भी जो है सस्पेंड किया गया है। जिस तरह से एक ऑर्डर जारी किया है और इस ऑर्डर में साफ तौर पर लिखा भी है कि अगर आप परमानेंट हो या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो या अडहाक बेस पे हो या डेली वेजर हैं, यानी अगर आप गवर्नमेंट से सैलरी ले रहे हैं तो आप जो है कभी भी किसी भी पार्टी के जलसे में मत जाइए और किसी भी पार्टी के चुनाव की कंपेन मत करें। लेकिन ऐसे में बहुत सारे लोग जो है इन पार्टी के जलसों में देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत सारी कंप्लेंट जो है सामने आ रही है। लेकिन एक बड़ा ऑर्डर यहां के डीसी डोडा हरविंदर सिंह ने निकाला है, फिलहाल वो जो है इलेक्शन अफसर है डिस्ट्रिक्ट डोडा के, उन्होंने जो है इस तरह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो भी वायलेशन की है, इन दोनों को जो है सस्पेंड किया गया है। फिलहाल उन तमाम लोगों को जो है, साथ में उन लोगों के लिए भी बताया गया है कि अगर इसके बाद भी कोई इस तरह की वायलेशन करता है और इस तरह की कोई भी चीजें समाज में देखने को मिलती है तो उनके ऊपर भी बड़ा एक्शन होगा। फिलहाल यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन लगातार लोगों से अपील भी कर रही है कि आप लोगों को 19 तारीख को अपनी आवाज बनना है और आपकी आवाज बनने के लिए आपको, आप सब लोगों को घर से बाहर निकलना है, यानी उस दिन आप सब लोगों को वोट देने अपने पोलिंग बूथ पे जाना है। और पहली बार ऐसा होना चाहिए कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा पोल जो है डोडा से होने चाहिए, यानी एडमिनिस्ट्रेशन लगातार प्रयास कर रही है, चाहे फिर वो 85 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग हों या फिर डिसेबिलिटी वाले लोग हों, उन तमाम लोगों के घरों में जा जाकर यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो है वोटिंग करवा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हमारा रेशियो जो है वोटिंग का वो और ज्यादा बढ़ जाए, ताकि आने वाले समय में हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है नंबर वन बने। चाहे फिर आप किसी भी पार्टी को चुने, लेकिन आपको जो है अपनी पोलिंग बूथ पे जाना है और एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन आपके पीछे ना जाने कितने किलोमीटर दूर चल चल कर इस तरह से अपनी मशीनें और तमाम चीजें लेकर आप लोगों के पास पहुंच रही है। तो फिर सोचिए कि आपके आवाज में कितनी ताकत है और आपके उस एक वोट में कितनी ताकत है, और उसी एक वोट के पीछे आप तक पहुंच रहे हैं। तो फिर सोचिए, आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि 19 तारीख को आपको 6 बजे से, यानी सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक आपके पोलिंग बूथ पर वोटिंग होगी और आपको वहां पर जाकर वोट डालना है। फिलहाल यहां की एडमिनिस्ट्रेशन तमाम लोगों से अपील कर रही है कि आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, और साथ में जो भी लोग पार्टी की कैंपेन कर रहे हैं, सरकारी मुलाजिम है, तो वो लोग जो है बचे रहें और अपने घरों में रुके, क्योंकि ऐसे में हो सकता है कि आपकी नौकरी को भी खतरा हो सकता है। फिलहाल देखते रहें गुलस्तान न्यूज, मैं विकास मनहास डोडा।